हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए मैं कुछ सेकेंड दूंगा, आप क्वेश्चन देख कर जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरोन है कि नेफ्रॉन है कि हाइपोथैलेमस है कि मेरुदंड है? तो कौन है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र की और कार्यात्मक इकाई की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक ना। तो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी से ही समझ लीजिए दोस्तों कि न्यूरॉन न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखिएगा कि शरीर को के ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किडनी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि हाइपोथैलेमस है कि मेरुदंड है? तो कौन है? तो अगर किडनी की बात कर देगा दोस्तों, तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और जबकि न्यूरॉन की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली के जीव द्रव की कोशिका भित्ति की माइटोकांड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये माइटोकांड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कि लाइसोसोम को, माइटोकांड्रिया को कि सेल वाल को? तो प्रोटीन फैक्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? राइबोसोम को कि माइटोकांड्रिया को, केंद्र को कि लाइसोसोम को? तो अगर आत्महत्या की थैली की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है कि सेरेबेलम है कि सेरेब्रल है कि कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो ये होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शरीर को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम कि सेरेब्रल कि सेरेबेलम? तो बैलेंस बीएल आ रहा है ना दोस्तों, तो बीएल से याद रखिएगा, बेलम यानी सेरेबेलम करता है शरीर के बैलेंस करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या पीड़ित होता है? तो किडनी फेफड़ा यकृत मस्तिष्क। तो कौन पीड़ित होगा दोस्तों अल्जाइमर रोग से? तो अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क पीड़ित होता है। बात करते हैं दोस्तों यकृत की, तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कि माइटोकांड्रिया को कि केंद्र को कि गोल्जी बॉडी को? तो अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है, और माइटोकांड्रिया कहते हैं तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम बने होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के कि कोई नहीं? तो क्रोमोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ये रॉबर्ट ब्राउन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अरस्तु ने? तो कोशिका यानी सेल की अगर बात करते हैं कि सेल की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक। और अरस्तु के बारे में तो जानते हैं दोस्तों कि ये इनको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक या पिता कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 40 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन? तो आरबीसी के अगर जीवन काल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कि 4 से 6 दिन? तो कितने दिन का होता है दोस्तों? तो इनका जीवन काल होता है 4 से 6 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए में एंटीबॉडी होता है, ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है? तो एंटीबॉडी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बिलो में याद रखिएगा कि ए में एंटीबॉडी बी होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बी में एंटीबॉडी कौन होता है? ए बी, ए बी कि कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि विपरीत, बी में एंटीबॉडी कहे तो ए होगा, कौन होगा?
ए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और लाइक से जुड़ना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।